वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड फ्लैक्सीड सीरम जेल। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिट है। ये आपकी स्किन के पिंपल्स को, रिंकल्स को रिमूव करता है और साथ के साथ आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो और सॉफ्ट बनाने में भी बहुत बेनिफिट है। चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ इसका प्रोसीजर। फ्लैक्सीड जेल बनाने के लिए आपको इसके लिए फ्लैक्सीड लेनी है, जाने की अलसी लेनी है। इसके लिए आपको 3 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं। जेल को बनाने के लिए आपको 2 कप पानी में 3 चम्मच अलसी के बीज डाल देने हैं और इसको लो फ्लेम पर आपने उबालते रहना है जब तक ये जेल की फॉर्म में ना। अब आप देख सकते हैं फ्लैक्सीड जेल रेडी हो चुकी है। अब आप इस जेल को किसी भी मसलिन क्लोथ के थ्रू या किसी भी छन्नी के थ्रू निकाल सकते हैं। ध्यान रखें इस मिक्सचर को आप ज़्यादा ठंडा ना होने दें। जब आपका मिक्सचर लिक्विफॉर्म होगा तभी आप साथ के साथ फ्लैक्सीड जेल निकाल लें। छन्नी के थ्रू मैंने इस तरह फ्लैक्सीड जेल को निकाल ली है। इस जेल को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 20 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में। 20 डेज तक आपका जो फ्लैक्सीड जेल है वो ख़राब नहीं होगा। इसको ऑल स्किन टाइप्स जो है अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। फेस सीरम बनाने के लिए फ्लैक्सीड जेल की आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है आप उतनी ले सकते हैं। इधर मैंने 2 चम्मच फ्लैक्सीड जेल ली है, ड्राई रोज पेटल, हिबिस्कस पाउडर जाने की गुड़हल के फूलों का पाउडर। आप चाहे ऑनलाइन भी ले सकते हैं पर मैंने इधर फ्रेश गुड़हल के फूलों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया है। विटामिन ई का कैप्सूल और एलोवेरा जेल। मैंने 2 चम्मच फ्लैक्सीड जेल ली है, आप अपने अकॉर्डिंग जेल ले सकते हैं, और 1 चम्मच रोज पेटल, 1 चम्मच ही हिबिस्कस पाउडर, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल। और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें और अपने फेस पर आधे घंटे के लिए अप्लाई करें। आधे घंटे के बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें और इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करें। इस सीरम को आप डेली भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप वीक में 3 टाइम्स अपने फेस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।